जौनपुर में दबंगों की पिटाई से घायल हुए छात्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। यह घटना जलालपुर क्षेत्र राम स्वरूप सर्वोदय इंटर कॉलेज त्रिलोचन महादेव की बताई। को बता दें कि कॉलेज में भौतिक विज्ञान की प्रतियोगिता चल रही थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए देश यादव भी कॉलेज गया था और इस दौरान कुछ छात्रों ने दूसरे छात्रों को प्रैक्टिकल फाइल फाड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद प्रधानाचार्य ने मामले को शांत करा कुछ टीचरों को भेजा है और उसके बाद शांति से परीक्षा संपन्न हो रही थी। तभी भारी संख्या में कुछ लोग बाहर से आए और दूसरे कॉलेज से परीक्षा देने आए छात्रों की पिटाई करने लगे, जिसमें टीचर और छात्र जख्मी हुए हैं। छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मिथिल यादव नाम के एक छात्र ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रधानाचार्य लल्लू राम यादव का कहना है कि पुलिस को फोन लगाया गया था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। 12वीं क्लास का प्रैक्टिकल एग्जाम था रेडी थाना क्षेत्र जलालपुर में, जहाँ दो बच्चे 12वीं क्लास के आपस में फाइल को फाड़ने को लेकर मारपीट की, जिसमें कि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पीएससी रेडी में इलाज कराया गया, जहाँ से उसको वाराणसी रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल एफ आई आर पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 नामजद छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।